welcome to Captain IT Friends। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, पोषक तत्व एवं उर्वरक। दोस्तों ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखी है तो पहले आप उन दोनों वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। कहने का मतलब है कि लक्षणों के आधार पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहला आता है ऑन ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियों पर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी होने पर लक्षण दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर मतलब ये जो पोषक तत्व है अगर इनकी कमी हो जाएगी तो नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे। पौधे के मध्य भाग पर अगर जिंक की कमी हो जाती है तो पौधे के मध्य भाग पर कमी के लक्षण दिखाई देंगे। अगला आता है पौधे के शीर्ष भाग पर अगर कैल्शियम और बोरोन की कमी हो गई तो पौधे के शीर्ष भाग पर कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो एक एक करके देखते हैं और आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियों पर। दोस्तों 5 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। अगर इन 5 की कमी हो गई तो पौधे की जो पुरानी वाली पत्तियां हैं उन पर लक्षण दिखाई देंगे। अब पुरानी पत्तियां कहाँ पर होती है, जैसे ये प्लांट है आपका, तो ये नीचे वाली जो पत्तियां ये अधिकतर पुरानी होती है, तो इन पत्तियों पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। कौन कौन से तत्वों की वजह से, नाइट्रोजन, पोटास, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, 5 तत्व हैं। इनको भी 2 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। एक तो है मृत स्थान के साथ कि इनके लक्षण कैसे दिखाई देंगे, मृत स्थान जहां पर है वहां पर उसके साथ, और मृत स्थान के अलावा मतलब पत्तियों जो पत्तियां डेड हो चुकी है उन पे जो डेड हुई है उन पे मतलब स्पॉट के साथ जो लक्षण दिखाई देंगे वो किसकी कमी से दिखाई देंगे, पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से। किसकी कमी से, पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से मृत स्थान के साथ इसके लक्षण दिखाई देंगे। अब इनमें से 3 और बचे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। दोस्तों इनकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे मृत स्थान के अलावा, जहां पर पत्तियां मरी हुई नहीं है वहां पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। दोस्तों जो विदाउट डेड स्पॉट मतलब बिना मरे हुए एक तरीके से स्थान पे जो दिखेंगे वो भी 2 प्रकार से लक्षण दिखेंगे। एक तो पर्णशिराएं हरी हो जाएगी। पर्णशिराएं कैसे हो जाएगी, हरी हो जाएगी, वो किसकी कमी से होगी, मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। तो पर्णशिराएं हरी मैग्नीशियम की वजह से, और दूसरा है पीली ये नाइट्रोजन की वजह से। तो आपको ये भी याद रखना है इसमें 5 पोषक तत्व है, उन्हीं का क्लासिफिकेशन क्या है, मृत स्थान के अलावा पोटेशियम, मोलिब्डेनम और मृत स्थान के मतलब मृत स्थान के साथ तो पोटेशियम, मोलिब्डेनम और मृत स्थान के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। इन तीनों को भी 2 प्रकार से विभाजित किया हुआ है, मैग्नीशियम आएगा ग्रीन के साथ और नाइट्रोजन आएगा पीले के साथ, ये आपको याद रखना है। अगला आता है ऑन न्यू लीव्स, नई पत्तियों पर किस किस पोषक तत्व की कमी के कारण लक्षण दिखाई देंगे। तो दोस्तों इसमें आता है सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन। इसमें भी 5 आते हैं, इनको भी 2 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। लीव्स वेन बिकम हरी मतलब हरी हो जाएगी, दूसरा है पीली, हरी होगी फेरस और मैग्नीज की वजह से और पीली होगी सल्फर, कॉपर और क्लोरीन की वजह से। अगला आता है ऑन मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के मध्य भाग पर। तो दोस्तों पौधे के मध्य भाग पर कमी के लक्षण दिखाई देंगे जिंक की वजह से। किसकी वजह से, जिंक की वजह से। अगला आता है दोस्तों हमारा 4th नंबर पे, पौधों के शीर्ष भाग पर, कि पौधों के शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे, कौन से पोषक तत्व के कारण। तो दोस्तों वह है कैल्शियम और बोरोन, 2 तत्व। तो आपको ये टेबल पूरी अच्छे से याद कर लेनी है। 4 पार्ट है, पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, मध्य भाग पर और शीर्ष पर। पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इनको 2 प्रकार से विभाजित किया हुआ है, विद डेड स्पॉट पोटेशियम, मोलिब्डेनम विदाउट डेड स्पॉट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। इनको भी 2 में डिवाइड किया हुआ है, लीव्स व्हेन बिकम्स ग्रीन मैग्नीशियम, लीव्स व्हेन बिकम्स येलो नाइट्रोजन। उसके बाद आता है ऑन न्यू लीव्स, नई पत्तियों पर, इसमें आता है सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन।
इनको भी दो पार्ट में, एक तो लीव्स व्हेन बिकम ग्रीन मतलब फेरस और मैग्नीज, अगला आता है लीफ व्हेन बिकम येलो सल्फर कॉपर और क्लोरीन। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑन मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट, कि मिडिल पार्ट पर जो बिल्कुल प्लांट है उसके मिडिल पार्ट पर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे, तो दिखाई देंगे जिंक की कमी के। लास्ट आता है हमारा ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स पौधे के शीर्ष भाग पर, तो दोस्तों पौधे का जो शीर्ष भाग है ऊपर वाला उस पर लक्षण दिखाई देंगे कैल्शियम और बोरोन के। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना न भूले। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।